तो बात चल रही थी उनके सवाल, पहले सवाल से के मुतालिक, कि जानिया की जो उजरत है वो गैर मुकल्लदीन के मजहब में हलाल है। हमने साबित किया है कि असल में यह मजहब मुकल्लदीन का है और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। अगर हमारे किसी एक आलिम ने यह कहा भी है तो जरूरी नहीं है कि तमाम हमारे उलमाए लदी उसे कबूल करें, और हमारी जमात के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। खास तौर पर मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले में, उनसे जब सवाल हुआ तो मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जानी औरत की कमाई जो उसने जिना से कमाई, अगरचे वो तौबा भी कर ले लेकिन उसके लिए वो हलाल नहीं हो सकती किसी सूरत में भी। तो ये मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का फतवा फतावा सनाइया में मौजूद है, और हमारे पास फतावा उलमाए हदीस है उसके अंदर भी ये फतवा मौजूद है। तो बहरहाल अगर मौलाना अब्दुल्ला गाजी पुरी ने कहा है तो ये फतवा उनके तक महदूद रहेगा और तमाम हमारी जमात का ये मतलब नहीं हो सकता है। और फिर इसने जो इस मुकल्लिद ने या मुफ्ती ने कहा है कि इमाम उनी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल इस बारे में नहीं है, औरत की उजरत के बारे में, तो हमने ये फतावा शामी से हाशिया रद्दुल मुख्तार से बताया है कि उसका इमाम उनी रहमतुल्लाह अलैह का ही फतवा है ये। और इस वक्त ये इस वक्त हमारे पास किताब है इमदादुल फतावा मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की, इमदादुल फतावा, और इसको फतावा अशरफिया भी कहते हैं। इस किताब के अंदर मौलाना साहब ने इसी मसले को लिया है। इस किताब का सफा है 336 और सवाल नंबर है 288। लिखा है कि फतावा शामी सफ़ा 28 जल्द खामिस में है। वह गौर अरल अफकार अन अल मुहीत मा अखदत हु ज़ानियत इन कान बे अक़द अल इजारत फहलाल इंद अबी हनीफा लान अजर अल मिस्ल फिल इजारत फासिदत तय्यिब व इन कान अल कसब हराम। ये वही इबारत है जो फतावा शामी से हम नकल कर चुके हैं। ये मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से किसी ने सवाल किया इस बारे में कि इमाम साहब का यह कौल जो है इसका क्या जवाब है। अल जवाब, मौलाना साहब ने जो जवाब दिया वो मौलाना साहब ने यह नहीं कहा है कि इमाम उनी रहमतुल्लाह अलैह का यह कौल रंडी के बारे में नहीं है, उनकी उजरत के बारे में नहीं है, जिस तरह के ये मुफ्ती कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा अल जवाब हिल्लत मा अखदत जानिया की इल्लत फसाद इजारा को ठहराया है, और जाहिर है कि फासिद कहते हैं मशरू बे असलही को व गैर मशरू बे वस्फही को, और यह भी जाहिर है कि जिना फेल मुहर्रम है, उसका इजारा बवजह हुरमत माकूद अलैह के मशरू बे असलही नहीं हो सकता। बस ये यकीनी दलील है इस पर कि मुराद इससे वो सूरत है कि इजारा हुआ है फेल मुबाह पर मिसल खुब्ज व तबुख वगैरहमा, और इसमें यह शर्त ठहराई कि तो इसे जिना भी क्या करेंगे, चूंकि यह मशरू बे असलही व गैर मशरू बे वस्फही यानी बशर्त है ये इजारा फासिद होगा, इस सूरत में जो उजरत मिलेगी वो हलाल है वगैरह। तो यहां इसने जो मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने जो जवाब दिया है ये उनके अपने मंतकी और फलसफी अल्फाज में ये उनका जवाब है। तो फरहान उन्होंने यहां ये तस्लीम किया है कि वाकई इमाम उनी रहमतुल्लाह अलैह का ही कौल है, और फिर उसका जवाब देने की ये कोशिश की है उन्होंने कि इजारा की दो किस्में होती हैं, अक्द इजार, अक्द इजार दो आदमी को जो आपस में वादा होता है तिजारत का वादा होता है जो लेन देन का, उसको अक्द इजार कहते हैं फकहा की इस्तिलाह में। तो कहते हैं कि यह अक्द इजार है कि किस्म से है, और यह इजारा फासिदा की किस्म से है, और इन्होंने इजारा की दो किस्में लिखी हैं, एक इजारा बातिला और एक इजारा फासिदा। इजारा बातिला वो होता है कि जो बुनियादी तौर पर और अपने असल के एतबार से बिल्कुल हराम हो और नामुमकिन हो, और इजारा फासिदा उसको कहते हैं जो अपने असल के एतबार से और बुनियाद के एतबार से तो इजारा जायज हो सही हो, लेकिन बाद शुरूत की वजह से वो इजारा जो है वो फासिद हो जाता है। तो ये दो किस्में लिखी है उन्होंने। तो कहते हैं ये यहां पर जो इजारा फासिदा की किस्म से उसको फुकहा ने लिखा है कि इजारा फासिदा की किस्म से है, तो लाजिम यहां जिना पर उसका दोनों का अक्द या वादा नहीं हुआ कि हम तो इसे जिना करेंगे और जिना का तुझे हम ये बदला देंगे या उसकी उजरत देंगे,
इसने जो तावीफ की है, तो इसने ये कहा कि असल में इजारा हुआ होगा या अक्द इजार उनका जो आपस में हुआ होगा वो होगा मसलन खिदमत पर, जिस तरह के अहले अरब आज खादिमात मंगाते हैं औरतें गैर मुल्क से घर में कामकाज करने के लिए, तो खाना वाना वगैरह बनाना और ये अपना झाड़ू वगैरह देना, घर के जितने काम काज होते हैं तो उनके लिए जो औरतें बाहर की वो रखते हैं। तो इसके अंदर जो है असल में तो इजारा इसी चीज पर हुआ, लेकिन साथ में उसने ये भी शर्त लगा दी कि तुम तेरे साथ हम ये बुरा फेल भी करेंगे। तो चूंकि यहाँ शर्त बुरी आ गई है तो इस वजह से ये इजारा फासिदा हो गया। तो चूंकि असल में इजारा बे असल ही सही बुनियादों पर था, यानी असल जो उनका मकसद था वो था खाने पीने और काम काज के लिए औरत को बुलाया था, तो इस वजह से असल इजारा उसी के मुतलक हम समझेंगे और उसकी शर्त जो है वो बातिल है। इस वजह से वो हम ये समझेंगे उजरत उसकी जिना की नहीं है, असल में उजरत खाने की बनाने की और घर के काम काज की उजरत उसको मिली है, और जरा वगैरह की उजरत हम इस पैसे को नहीं समझेंगे। ये इन्होंने तावील के इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह इस कौल की। लेकिन इस पर जिस वक्त इन्होंने ये मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने ये जवाब दिया, क्योंकि इजारा फासिदा है और इसमें असल इजारा उनका जो है खिदमत के ऊपर हुआ था और उजरत खिदमत की उस औरत से मुकर्रर हुई थी, तो साथ में उसने जिना को भी शामिल कर लिया, तो ये उजरत जिना की हम नहीं समझे। तो इसी पर फिर उन पर एक सवाल हुआ मुस्तफ्ती का इस जवाब पर शुभ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, तावील मसला बहुत खूब है, यानी जो तुमने तावील के इस मसले की वो बहुत अच्छी है, मगर जरा ये शुभ है कि बहरु रायक जल्द नंबर हशतुम सफा 22 में यह इबारत है, बहरु रायक इनकी फिका किताब है, फिल मुहित व महरुल बगये फिल हदीस हुआ ए युआजरा आमाता हु अला जिना व मा अखदहु मिन अल महर हराम इंदहुमा व इंदल इमाम इन अखदहु बगैर अक्द बे अन जना बे अमत सुमा अताहा शैअन फहुवा हराम लिअन्नहु अखदतहु बगैर हक व इन इस्तअजरहा लिजज्निया बिहा सुमा अताहा महरहा او ما شرط لها لا باس باخذه لانه في اجاره فاسده فيطيب له وان كان السبب حراما। अच्छा, ये उसने सवाल किया इसके ऊपर, वो ये है कि आपने जो तावील की है मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने, बहरु रायक में तो उसके खिलाफ लिखा है, उसके अंदर ये है कि वह महरुल बग यानी जानिया औरत की महर यानी उसकी उजरत हदीस के अंदर जो आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार दिया है, एक जिना की उजरत को हदीस के अंदर आता है, तो उससे मुराद यानी ये है कि एक इंसान अपनी लौंडी को जिना पर उकसाए और जिना का काम उसे करवाए फिर उसकी उजरत खुद खाए, जिस तरह के अरब के अंदर लौंडियां इसलिए रखा करते थे कि लौंडियों से ये काम करवाते थे, लौंडियां उनकी ये धंधा किया करती थी और उनके मालिक उनकी उजरत लेते थे। तो इसने ये कहा है कि हदीस के अंदर जो मना आया है दरअसल वे उन्हीं के लिए, दरअसल ये उन्हीं के लिए, और कहता है वमा अखदहु मिनल महर और जो औरत महर लेगी यानी महर से मुराद यह है जो उजरा जिना की, वो हराम है नजदीक इमाम अबू यूसुफ के और मोहम्मद बिन हसन शैबानी के, जो इमाम हनीफा के शागिर्द हैं, और नजदीक इमाम साहब के अगर ली है उस औरत ने यह उजरत बगैर अक्द के, बगैर अक्द इजार के लिए है, मसलन कोई अक्द उनका आपस में नहीं हुआ, कोई मुहदा आपस में नहीं हुआ, तो सिर्फ उसने जिना किया उसके साथ फिर जाते हुए जिना की उसको उजरत भी उसने दे दी, तो फिर ये हराम होगा। वह इनस्तअजरहा, लेकिन अगर उजरत पर अक्द हुआ दोनों का वादा हुआ आपस में, जैसा मुतअक्का होता है भी एक दिन दो दिन तीन दिन जितना भी अक्द होता है उसका, तो फिर वह इनस्तअजरहा इसलिए उसने अक्द किया लेजस ने अबे हाथा के उसे जिना करे, अक्द इजार ही जिना का हुआ है, फिर दे दिया उसने आता बहरहा उसको उसका महर दे दिया और मा शरत लहा या जो चीज उसने मुकर्रर की, तो उसका लेना कोई हरज नहीं, इस वजह से कि जरा फासिदा है, लिहाजा अगर यह सबब हराम है लेकिन ये पैसा उसके लिए हलाल है। अब यह बहरु रायक में भी यही है, अब बहरु रायक में अब मौलवी शरफ अली साहब थानवी ने आगे जो फलसफी तो जो मंतकी बहस की है, लेकिन वो ला हासिल है, यहां उसका जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने वही बात कही है जो पहले वाली है कि असल में अक्द इजार जिना पर नहीं हुआ था, इसलिए कि कोई मुसलमान जो है वो जिना के ऊपर अक्द नहीं कर सकता है। भाई फासद लोग करते हैं, बदमाश लोग करते हैं, क्यों नहीं करते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं तो लिहाजा लाजिम जो है अक्द इजार हलाल चीज पे हुआ होगा और उसने जिना को साथ में शामिल कर लिया, लिहाजा हम समझेंगे कि उजरत जो है वो हलाल काम की है हराम की नहीं, आगे वो उसने ये लिखा। तो बहरहाल ये बहरु रायक के इस हवाले से यह साबित हो गया कि अक्द इजार पर जिना पर ही हुआ, दोनों का ये हुआ कि मैं तुम्हारे साथ जिना करूंगा पर तुम्हारा जिना की इसको मैं जितना उजरत दूंगा मैं तुमको। तो बहरहाल ये मसला साबित हो गया कि ये असल में अहले हदीसों का उलमा का अहले हदीस उलमा का फतवा नहीं है ये, और बिल्कुल ये हराम है। अगर किसी अहले इल्म ने कहा भी है तो उसकी इज्तिहादी गलती है,
اجتہادی غلطی ہے، لہذا یہ مسئلہ ہمارے لیے جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور ہماری طرف یہ اسے نسبت کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے۔